श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण संपर्क महाअभियान में जागृति लाने के उद्देश्य से युवा जागृति यात्रा महाकौशल प्रांत के प्रत्येक जिले से निकाली जा रही है, जिसका प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में समापन होगा। इस यात्रा को कर्म भूमि से जन्म भूमि तक युवा जागृति यात्रा का नाम दिया गया है। चित्रकूट से कामतानाथ स्वामी के मुखारविंद से यह यात्रा आरम्भ हुई। यह युवा जागृति यात्रा माउंट एवरेस्ट शिखर पर प्रथम बार राष्ट्रगान गाकर इतिहास रचने वाले रत्नेश पांडे द्वारा निकाली जा रही है। पूर्व में भी रत्नेश पांडे द्वारा धार्मिक आयोजनों के लिए मोटरसाइकिल पर देश का भ्रमण कर चुके हैं। युवा जागृति यात्रा निकालने वाले रत्नेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 दिनों की यह युवा जागृति यात्रा 11 जनवरी से प्रारंभ हुई, जो महाकौशल के प्रत्येक जिले से होकर गुजर रही है। इसी कड़ी में नीमच में यह यात्रा गुरुवार को शाम 5 बजे पहुंची। अब तक यह युवा जागृति यात्रा महाकौशल प्रांत के 40 जिलों से अधिक जिलों में होकर गुजर चुकी है। नीमच में युवा जागृति यात्रा वाहन रैली के रूप में निकली। माधोपुर बालाजी से आरंभ हुई शहर के प्रमुख मार्ग बस स्टैंड, बारादरी, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज, कमल चौक, फव्वारा चौक होते हुए अंबेडकर सर्कल पर स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जिला कार्यालय पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इसके पश्चात रैली जावत के लिए निकली। इसके बाद युवा जागृति यात्रा का रात्रि विश्राम नीमच में हुआ। युवा जागृति यात्रा शुक्रवार को सुबह नीमच से प्रस्थान करेगी, जो गिरदोड़ा, रेवली देवली, जवासा, सावन होते हुए मनासा पहुंचेगी। जय श्री राम। ये यात्रा, युवा जागृति यात्रा, ये हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट धाम से शुरू होकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या तक जाएगी। 11 जनवरी से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था। कामतानाथ मुखारबिंद से यात्रा शुरू होकर महाकौशल प्रांत के सभी जिलों को छूती हुई, मध्य भारत से होती हुई मालवा में आज इस नीमच की पावन धरती में पहुंची है। 18 फरवरी को यात्रा का समापन सरयू किनारे अयोध्या जी में से होगा। ये यात्रा का प्रयास है कि कैसे अधिक से अधिक युवाओं को इस पुनीत कार्य से जोड़ा जा सके। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो मात्र एक हैशटैग यूथ फॉर राम के माध्यम से प्रयास था कि हम अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें, मगर ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहले ही क्षण, पहले ही पल, जैसे ही राम काज के लिए ये यात्रा निकली, हर हिंदू के दिल में प्रभु श्री राम ट्रेंड करने लगे, हर युवा बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में अपना योगदान करने लगा। और प्रयास है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निधि समर्पण महाभियान पे हर युवा, हर व्यक्ति अपना योगदान दे, साथ में संपर्क महाभियान के तत्वधान पे ना केवल जब तक ये मंदिर नहीं बनता, बल्कि तब तक ये प्रयास करे जब तक हर हिंदू के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान नहीं होते। इस प्रतिज्ञा, इस संकल्प के साथ ये पूरी युवा जागृति यात्रा आज यहाँ नीमच की पावन धरती में है। अभी तक लगभग 40 जिलों में ये यात्रा हो चुकी है और प्रयास ये है कि बाकी जो बचे हुए जिले हैं उन जिलों पे होती हुई, युवाओं से जुड़ती हुई ये यात्रा पूरे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से राममय होते हुए वातावरण करते हुए इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से किस तरीके से अयोध्या तक लेके जाना है। और प्रयास करना है कि पूरे देश में ये एक राममय जो वातावरण रहे, ताकि हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के अपना इस पुनीत कार्य में योगदान दे।